सब्सक्राइब टू बॉडी पावर जिम बीपीजी एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड विद अस। एवरीबॉडी, आज का वर्कआउट है ट्राइसेप्स, स्पेशली ट्राइसेप्स वर्कआउट। सुहेल की ख्वाहिश है, सलमान की ख्वाहिश है, ट्राइसेप्स वर्कआउट करेंगे भैया बोलते। मैं सलमान की ख्वाहिश के हिसाब से ट्राइसेप्स वर्कआउट करा रहा हूँ और ये पाँच भी अच्छे वर्कआउट कराऊंगा, बेहतरीन वर्कआउट रहेंगे। मैं जो टिप्स दे रहा हूँ मूवमेंट ये वो सब हर एक कैसा करना क्या करना बेहतरीन रहेगा। इसके लिए आप फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ ट्राइसेप्स का। और जब भी ट्राइसेप्स करेंगे, बाइसेप्स करेंगे और स्पेशली ट्राइसेप्स में कई लोगों का ये एल्बो इंजरी होता है। वजह क्या करते हैं, आते हैं डायरेक्ट हीवी वेट मारते। तो पहले वार्म अप कंपलसरी है ट्राइसेप्स में। वार्म अप स्टार्ट करके लाइट वेट से करके करना। जैसा अपन खाना खा रहे, खाना खाते ना पे हाथ धोना जरूरी है, हर एक्सरसाइज में भी वार्म अप करना जरूरी है, समझे ना। फर्स्ट वर्कआउट सीधा हाथ ऊपर रखो, स्ट्रेट, ये हाफ मून पोज़ पे करा रहा हूँ। चलो डॉक, ये पोजीशन ये स्ट्रेट रहेगा, ये पोजीशन स्ट्रेट रहेगा। यहाँ से चलो बैठ लो, शाबाश। इसको ज़्यादा नजदीक नहीं करना, सामने नहीं लाना, पीछे नहीं लाना, मारो खाली सामने नहीं लाना। ये पोजीशन में एग्जैक्ट आप 8 मारते, 10 मारते, 12 मारते, जैसा मारते मारो। हाफ मून में वॉच करते, फिर 2 महीने के बाद इंक्लाइनिंग में करते, पेन बेंच में करते, जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, समझे। कितने में 7-8, ये डायरेक्शन में भी आ सकता। और आपको 2 महीने के बाद चेंज करना है तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पोजीशन में लाके मारो, थोड़ा ये थोड़ा ये पोजीशन में भी 8 मार, 8 से 12, समझे ना। ये 2 वेरिएशन अच्छा है। चलो रख दो, आप सेकेंड वर्कआउट बताओ। चलो ये रख दो, में जो स्कल कशे करे। अब सेकेंड वर्कआउट में क्या कर रहे हैं अपन, बारबल सिक्साइड ओवर हेड एक्सेस में कर। हाइट देखा सेकेंड में, यहाँ से लीजिए, यहाँ से क्या करो क्लोज, हाँ पहला सामने, चलो लाओ पूरा ऊपर, गुड। फिर नीचे लाओ, शाबाश। फिर उठाओ, दो समान, तीन, ये लेवल में लाए तो भी बस है, या नीचे भी लाओ, चार। जब उठाने के लिए उठाओ पूरा स्ट्रेट रखना और ये मसल को टाइट करना, समझे ना। चलो शाबाश शाबाश, 8 to 10-12 रिप्स कर सकते हैं। जिग-जैग ओवरहेड एक्सटेंशन बहुत अच्छा वर्कआउट है। ये ओवरहेड एक्सटेंशन ये पूरा मसल का होता है, लॉन्ग हाइट का जिसका मतलब ऐड होगा। चलो सेकेंड कंप्लीट होगा, आप अपने थर्ड वर्कआउट पर जाएंगे। अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, वन नाम ओवरहेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें कैसा करना क्या करना डायरेक्शन बताऊंगा। और जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसा बिगनर्स है स्टार्ट कर रहे हैं 3 सेट, थोड़ा 10 मिनट्स से 10 मिनट्स कम होने के बाद 4 सेट कर सकते हैं, समझे। फिर स्टार्ट, वन नाम का मूवमेंट कैसा आना स्टेप किया होगा, हाथ है ना ये कुछ थोड़ा बड़ा, और ये ज़्यादा दूर नहीं आना, करीब आना काम करिए, ये हाथ नीचे आना थोड़ा। तो इससे क्या हो रहा है, लैश भी नहीं कर रहा, ट्राइजर भी अच्छा पंप हो रहा, और जितना नीचे आए उतना अच्छा। फिर करो ना, गुड, लॉक करो, छोड़ देने का छोड़ो, उठा देने का छोड़ो, फील करो, शाबाश। ये इसमें कितने आ रहे हैं, 8, इसमें 8 आने के बाद वो आता है, वो आता है शाबाश, फिर वो आता है, ये भी सेम, इसमें भी 8 मार। अब जैसा थोड़े लोग पुराने हो गए, 1-2 महीने हो गए, फिर ये हाथ में लेके, ये हाथ में लेके 2 सेट में 1 सेट करो, समझे ना। चलो 8 दे बच्चे शॉप, ये बहुत अच्छा है लोअर है, इसके यहाँ से ट्राइजर्स के लिए लॉन्ग हेड के लिए बहुत अच्छा ट्राइजर, बहुत अच्छा ट्राइजर। चलो स्टॉप, ट्राइजर पुश डाउन है। इसमें कैसा करना, किस सिस्टम से करना बताता हूँ, सिर्फ सवाल पकड़ो पोजिशन, इसमें देखो ये पोजिशन, ये पोजिशन रहना, ये हाथ के खिलाफ, इसके बाद नीचे प्रेस करो, बाद इसको जितना खोल सकते फोड़ो, पूरे फिर खोल, चक्का नहीं मार, रोकना, समझे, उठाओ रोक, जितना खोजेंगे अपना एक्सरसाइज करेंगे ये चार करेंगे आप, समझे ना। ये भी 8 to 12 साइन, समझे, ये पोजिशन, समझे, ये पोजिशन में भी कर सकते हैं, सीधा डालो सीधा डालो, ये है ना, ये पोजिशन में भी मारो, मारे बाद पूरा नहीं खोलो, मारो मारे बाद ये करके खाली खोलो, मारा थोड़ा बस, ये पोजीशन में कर सकता, समझे ना, इसका ये पोजीशन में ज़्यादा हाथ ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 8 to 12 3 सेट्स ऑफ 4 सेट्स, समझे, गुड, ये पोजीशन मान।
ये फिफ्थ वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, क्लोज ग्रिप ट्राइसेप पोजिशन, ज़्यादा नजदीक नहीं रहना हाथ, दूर नहीं रहना, ये पोजिशन थोड़ा दूर पर कमर नीचे आ दो, फिर उठाओ ये इस पर दबा, ये मसल फॉर्म बस, हाँ तीन हाँ चार स्टे कर, हाँ पाँच ये मसल जो अच्छे चलो छः कमर सात ऊपर उठाओ गुड आठ नौ अभी किसको हेल्प होना है तो थोड़ा प्लस सपोर्ट देके प्रेस कर सकते हैं और अच्छा वेट देता हूँ समझे ये जूनियर्स के लिए सीनियर्स ऐसा कर सकते हैं समझे ना चल मैं क्या करूँ ये सिक्स फॉरवर्ड है डिप्स पुशअप डिप्स है चलो इसका पोजीशन ये क्या है जूनियर माना तो थोड़ा बैठ करो और ये पोजिशन में क्या रहता है ईजी रहता है समझे ना जैसा जूनियर्स का नाम ये पोजिशन करते सीनियर्स का नाम तो पहला सीधा करो थोड़ा ये थोड़ा हार्ड और एक क्लोज करो बस फिर अगर पहले सीधा रखो एकदम स्ट्रेट ऐसा उठाना थोड़ा नीचे ऊपर नीचे ऊपर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं बगैर झटके के एक्सरसाइज करो नीड करो मसल के ऊपर वेट गिरना वेट नहीं गिरा तो तुम्हारा वर्कआउट सही नहीं होगा समझे ये टू ट्वेल्व रिप्स थ्री टू फोर सेट्स समझे ना ये सिक्स वर्कआउट्स करना है सिक्स करो पाँच करना है पाँच करो पूरे अच्छे ट्राइसेप्स के अच्छे बेहतरीन वर्कआउट है समझे ना अभी जो बिगनर्स है बिगनर्स खास तौर से ख्याल करना है कि आपके ट्राइसेप्स ज़्यादा नहीं करना ज़्यादा हैवी नहीं करना समझे ना थोड़ा थोड़ा सेट होते गए सकस करो नहीं तो एल्बो पेन शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल होगा समझे ना कोच को पूछ के करना एक्सरसाइज हर एक अपने अपने जिमों में कोच को पूछो एक्सरसाइज करो समझे ना अपनी मर्जी से मत करो।